Back to Ambition Nursing Classes. In this class we are going to learn about human placenta. So human placenta का हमारा demonstrations आता है practical exams में. So please listen to this class very carefully. So what is human placenta? So human placenta can be described as discoid in shape. जो भी हम अभी बात करें वो term पे बात करें, okay? So it is discoid होता है shape में, as you can see in the picture. Hemochorial, it means it lies in contact with the maternal blood, okay? And deciduous, it means it has to shed after delivery, okay? These are three are the main characteristics of the human placenta. And it has diameters of 15 to 20 centimeter. यहाँ से अगर आप diameter देखोगे तो it is 15 to 20 centimeter and thickness of about 3 centimeter at its center. जब भी हम thickness देखते हैं तो हम center पे thickness देखें, okay? Maternal side से हम thickness measure करेंगे तो ये कितना होगा, 3 centimeter, okay? And total volume of placenta कितना होता है, 500 ml at term and weight of the placenta is also 500 gram. So usually हमारे placenta के तीन main parts होते हैं, that is maternal surface, fetal surface and umbilical cord, okay? सो नेक्स्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, जब भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं प्लेसेंटा को, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम हमेशा स्टार्टिंग किससे करते हैं, मेटर्नल सरफेस से करते हैं, ओके? सो मेटर्नल, दिस इज कॉल्ड मेटर्नल सरफेस, ओके? दिस इज फॉर्म बाय डेसिडुआ बेसिलिस, ऑल्सो कॉल्ड बेसल प्लेट, ठीक है? एज यू कैन सी इट इज डल रेड इन कलर एंड मेटर्नल सर्फेस फॉर्म्स 1/5 ऑफ द प्लेसेंटा एंड हेयर यू कैन सी नो मेम्ब्रेन्स एंड कॉर्ड्स आर अटैच टू इट, ओके? सो मेम्ब्रेन्स एंड कॉर्ड्स आर नॉट अटैच टू मेटर्नल सर्फेस. और आपको इसमें दिख रहा है ये जो एरियाज हैं हमारे, ये पॉलीगोनल एरियाज, इनको हम क्या बोलते हैं, लोब्स, ओके? और कॉल्ड एज कॉटिलिडन्स. ये लोब्स है और कॉटिलिडन्स में डिवाइडेड है. सो जब भी हम मेटर्नल सरफेस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं प्लेसेंटा का, सो हमें इसमें ये काउंट करना है कि कितना कॉटिलिडन्स इधर है. सो इट इज़ यूजुअली 16 टू 20 कॉटिलिडन्स होता है इन टर्म प्लेसेंटा एंड इट इज़ नॉर्मल, ठीक है? जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हमें 16 टू 20 नहीं मिलता, कम मिलता है, हमें देखना है कोई मिसिंग तो नहीं है. अगर मिसिंग है तो हमें मदर के अंदर चेक करना है कि उधर तो कोई नहीं रह गया, ओके? री एक्सप्लोरेशन करेंगे. देन द मेटर्नल सर्फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा. क्यों? क्योंकि उधर से ही ये मेटर्नल ब्लड के कनेक्ट में होता है और उधर से ही हमारा सारा प्लेसेंटा और मेटर्नल के बीच में सारा न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज सब होता है, ओके? द नेक्स्ट इज द फीटल सर्फेस. जो फीटल सर्फेस हमारा बनता है फॉर्म बाई कोरियोन फ्रोंडोसम, ओके? ऑल्सो कॉल्ड कोरियोनिक प्लेट. एंड जो फीटल सर्फेस है इट फॉर्म्स 4/5 ऑफ प्लेसेंटा. एज मदर कितना कर, मदर मेटर्नल सर्फेस कितना करते हैं, 1/5. एज यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज शाइनी ग्रे इन कलर, ओके? यही हमारा डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा मेटर्नल सर्फेस है, कौन सा फीटल सर्फेस है. जो फीटल सर्फेस है वो हमारा शाइनी होता है, ग्रे इन कलर होता है, और जो मेटर्नल सर्फेस होता है वो डल रेड इन कलर होता है. और जो फीटल सर्फेस पे ही हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है एंड मेम्ब्रेन्स अटैच होता है, एज यू कैन सी, ओके? नेक्स्ट इज फीटल मेम्ब्रेन्स. हमारा यूजुअल दो फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो आउटर होते हैं डेट इज आउटर कोरियोनिक एंड इनर एमनियोनिक. जो जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं हमें देखना है कि फुल मेम्ब्रेन्स उस पर है या नहीं है. हाँ, जैसे इसमें देख रहे हैं, जब भी हम ये करेंगे हम अम्बिलिकल कॉर्ड से इसको हैंग करेंगे, ठीक है, हैंग करेंगे प्लेसेंटा को, तो हमें देखना है कि अम्ब्रेला लाइक शेप इसका आना चाहिए एंड हमें मेम्ब्रेन्स को ऑब्जर्व करना है ये फुल है या कोई मेम्ब्रेन्स मदर के अंदर तो नहीं रह गई, ओके? एंड फिर हमें इनको ऑब्जर्व करना है. जो कोरियोनिक होता है वो थिकर देन एमनियोन होता है, फ्राइबल एंड शेगी ऑन बोथ साइड्स, ओके? एंड एमनियोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स इंटरनल सर्फेस इज स्मूथ होता है, ये बहुत ही शाइनी होता है एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड एमनाई, ओके? सो हमें लास्ट में क्या करना होता है, हम जो एमनियोन और कोरियोन है उनको पील करना है, ठीक है? ये पील हो जाता है बट कहाँ पे नहीं होगा, एक्सेप्ट द इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके? द एमनियोन कैन बी पील्ड ऑफ फ्रॉम द फीटल सर्फेस ऑफ प्लेसेंटा एक्सेप्ट एट द इंसर्शन, ओके? द नेक्स्ट इज द प्लेसेंटल सर्कुलेशन. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना? तो अम्बिलिकल कॉर्ड में टू अम्बिलिकल आर्टरीज होता है एंड वन अम्बिलिकल वेन. यू हैव टू सी इट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा. हेयर एज यू कैन सी हमारा दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं एंड वन अम्बिलिकल वेन है, ठीक है? ये ऐसे सेम स्ट्रक्चर हमने अम्बिलिकल कॉर्ड में दिखेगा जब आप इसको कट करेंगे, ठीक है? तो ये आपको ऑब्जर्व करना है. देन
यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हमारा क्या होता है, मदर टू प्लेसेंटा होगा, दो टाइप का सर्कुलेशन होता है। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है हमारा फीटस टू प्लेसेंटा। ओके, सो हमने अभी पढ़ा अम्बिलिकल वेन क्या करती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। एंड अम्बिलिकल आर्टरी का क्या काम है, कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। अब जब डिलीवर हो गया बेबी तो उसके बाद अम्बिलिकल वेन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्टेड टू लिगामेंटम टेरिस। एंड अम्बिलिकल आर्टरी मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, और बाकी आपको इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, लेंथ ऑब्जर्व करना है अम्बिलिकल कॉर्ड का, देन आपको ऑब्जर्व करने अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स, देन आपको ऑब्जर्व करने ट्रू नॉट या फिर फॉल्स नॉट ऑब्जर्व करने, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मदर एंड द फीटस एज इट ट्रिब्यूट्स टू फॉलोइंग फंक्शन। क्या किस किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी में, एक्सक्रेटरी, न्यूट्रिटिव। देन नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन फंक्शंस है, इट सिक्रीट्स बोथ स्टीरॉयड और पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं विच हेल्प्स इन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बैरियर फंक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन हमारा मदर से फीटस में जाएगा, इट हेल्प्स एंड बैरियर फंक्शन ऑल्सो। देन इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स है विच जो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, सो ये हमारा इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़। जो फर्स्ट प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी है वो है प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा। वट इज, अब आपको ये ना समझना है कि ये क्या है, रटना नहीं। ओके, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी पढ़े सक्सेंचुरिएटा, इसमें क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में देखो, इधर एक प्लेसेंटा का लोब है, इधर एक प्लेसेंटा का लोब है ना, इस प्लेसेंटा के लोब में भी हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो इफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेटेड फ्रॉम मेन प्लेसेंटा बट रिमेन्स कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेंचुरिएटा, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे, जब भी डिलीवरी हुआ उसके बाद हमने प्लेसेंटा एक्सपेल कर लिया, उसको हमें हमेशा एग्जामिन करना है। ओके, अगर लोब इंटैक्ट है तो इट मींस ठीक है कि सक्सेंचुरिएटा है, बाहर आ गया, ठीक है। बट अगर लोब मिसिंग है तो हमें देखना है गैप इन द कोरियन एंड टोन ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन द मार्जिन्स, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स टोन मिलेंगे हमें, ठीक है। ये डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद इफ लोब इज रिटेन रह गया अंदर तो क्या हो सकता है, पीपीएच हो गया, सब इन्वोल्यूशन, यूट्राइन सेप्सिस। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें अगर लोब मिसिंग है तो हमें एक्सप्लोरेशन करना है यूटरस का अंडर जनरल एनेस्थीशिया, क्लियर। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा बायलोबेट, ये कुछ कुछ सक्सेंचुरिएट के सेम है। बायलोबेट के में क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा एक बड़ा था एक छोटा था, अनइक्वल पार्ट्स से, इट इज सेम एज सक्सेंचुरिएट, बस डिफरेंस कितना है कि इसमें इक्वल पार्ट्स हैं उसमें अनइक्वल पार्ट्स से, ठीक है, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बट रिमेन कनेक्टेड बाय द ब्लड वेसल्स। एज यू कैन सी इधर भी ब्लड वेसल्स है, इधर भी ब्लड वेसल्स है। ओके, नेक्स्ट इज प्लेसेंटा स्पूरिया, when a small part of placenta separates main placenta but is not connected to by any blood vessels, ये same क्या है, सक्सेंचुरिएट है, बस इसमें डिफरेंस कितना है, not connected by any blood vessels। okay, main अभी आपने तीन पढ़ा, कौन सा, सक्सेंचुरिएट, बाइलोबेट एंड स्पूरिया, डिफरेंस पता चल गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सक्सेंचुरिएट और बाइलोबेट, सिर्फ लोब के साइज में डिफरेंस होगा, ब्लड वेसल्स दोनों में होगी। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा स्पूरिया एंड प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट, इनमें लोब एक बड़ा एक छोटा होगा, सिर्फ डिफरेंस होगा ब्लड वेसल्स का। ओके, नेक्स्ट इज सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, इफ द इफ फीटल सर्फेस इज स्मॉल एंड मेटर्नल सर्फेस इज बिग, देन जो मेटर्नल सर्फेस है वो सराउंड करता है फीटल सर्फेस इन फॉर्म ऑफ रिंग। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो जब फीट हमारे मेटर्नल सर्फेस बड़ा होएगा तो वो इसको भी कवर कर लेगा, फीटल सर्फेस को भी, तो वह हमें ऑब्जर्व कैसे होगा, एज अ फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है। इसमें इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोशिएट होते हैं, IUGR, फीटल डेथ और एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा, इट इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या क्या आता है, यूजुअली हमारे जो प्लेसेंटा है वो किससे कनेक्ट होता है, मायोमेट्रियम, ठीक है, बट वो उसके इंसर्ट नहीं होता, ठीक है। सो प्लेसेंटा इक्रीटा क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है व्हेन कोरियोनिक विलाई आर सुपरफिशियली अटैच टू मायोमेट्रियम। नॉर्मली हमारा ऐसे अटैच होता है, ठीक है,
बट इन एक्रीटा में क्या होएगा कि जो कोरियोनिक विलाई है वो मायोमेट्रियम से कनेक्ट होगा सुपरफिशियली, ये मोस्ट कॉमन होते हैं। देन इनक्रेटा में क्या होगा, कोरियोनिक विलाई इन्वेड द मायोमेट्रियम, डीपली इन्वेड करेगा मायोमेट्रियम में। एंड प्लेसेंटा परकेटा क्या होता है, कोरियोनिक विलाई आर अटैच टू सिरोसा, सिरोसा से अटैच होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी इफ पेशेंट हैज प्लेसेंट प्रीविया, प्लेसेंट प्रीविया है, या फिर इफ इन पेशेंट इन प्रीवियस प्रेगनेंसी सी सेक्शन वॉज डन, तो ये मॉर्बिड अडहरेंट प्लेसेंटा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, देन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, या तो डेसिडुआ बेसिलिस एब्सेंट हो या फिर निटाबुच लेयर एब्सेंट हो, ये मेन लेयर्स होता है जिससे प्लेसेंटा बना होता है। सो अगर ये दोनों लेयर एब्सेंट है तो इट मे बी कॉज मॉर्बिड अडहरेंट प्लेसेंटा। देन हमारे प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या होगा, पेशेंट को पीपीएच हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी, प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो पाएगा आफ्टर डिलीवरी। ओके, सो बेस्ट मैनेजमेंट क्या है, हिस्टेरेक्टमी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड। सो अम्बिलिकल कॉर्ड यूजुअली लेंथ, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, लेंथ देखना है ना, यूजुअली 30-100 सेंटीमीटर होता है, एवरेज कितना है 40 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग, ठीक है। एवरेज डायमीटर कितना होता है 1.5 सेंटीमीटर, एंड पीएच ऑफ ब्लड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज 7.2, ठीक है। इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है स्लिपरी, उसको हम बोलते हैं वाटसन जेली। ओके, सो इफ़ लेंथ जो है हमारी लेस देन 30 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, इजिली ब्रोक हो सकती है, प्रिवेंट्स वर्जन। देन इफ़ लेंथ अगर मोर देन 100 सेंटीमीटर्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो उसमें लॉन्ग कॉर्ड में क्या हो सकता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी है, एंड कॉर्ड एंटेंगलमेंट अराउंड द नेक, नेक के अराउंड आ सकती है लॉन्ग कॉर्ड होगा तो। ओके, सो इसमें और हमें क्या ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करना है ट्रू नॉट एंड अ फॉल्स नॉट। ट्रू नॉट हमारी बहुत रेयर होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज़ ट्रू नॉट, है ना, मतलब असली में जो नॉट लगाते हैं वैसे वाला नॉट होगा, ठीक है। फॉल्स नॉट की कैसे बनता है, रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटसन जेली और ड्यू टू वेरिसेस। इस वाली फोटो में आप देख सकते हैं सेकेंड वाले में, ये हमें नॉट जैसा लग रहा है बट इट इज फॉल्स नॉट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटसन जेली। ओके, द नेक्स्ट इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉर्मेलिटी क्या हो सकता है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। यूजुअली ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, यूजुअली हमारा टू आर्टरीज एंड वन वेन होगा, ठीक है, बट इस डिसऑर्डर में क्या होगा, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होगा, प्रेजेंट इन 1-2% केसेस ड्यू टू फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन आर्टरी और ड्यू टू एट्रोफी इन लेटर मंथ्स। इसमें क्या होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ अबॉर्शन, फीटल एनिप्लोइडी, आईयूजीआर या फिर प्री मैच्योरिटी हो सकते हैं। ओके, ये भी आपको लास्ट में देखना है। देन नेक्स्ट हमारे रिलेटेड टू कॉर्ड क्या क्या हमारे एबनॉर्मलिटीज आते हैं, फर्स्ट इज बेटल डोर प्लेसेंटा, ठीक है। यूजुअली हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अटैच होती है सेंटर में, ठीक है, बट बेटल डोर में क्या होगा, इट इज अटैच टू मार्जिन, मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड व्हेन कॉर्ड इज अटैच टू वन साइड ऑफ प्लेसेंटा नॉट इन द सेंटर, क्लियर। नेक्स्ट इज वेलामेंटस, वेलामेंटस में क्या होता है, व्हेन द कॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू प्लेसेंटा, ये जो कॉर्ड है ये हमारे कहाँ अटैच होती है, इधर प्लेसेंटा में को अटैच होती है, बट वेलामेंटस में क्या होता है, इट अटैच फर्स्ट टू मेम्ब्रेन एंड देन टू प्लेसेंटा। देखो ये पहले किसी मेम्ब्रेन से अटैच है देन प्लेसेंटा से अटैच है, क्लियर। सो आई होप दिस मच टॉपिक इज क्लियर टू यू, इसमें आपको सारा प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन हमारा आता ही आता है पेपर में, ठीक है। सो एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद मेरे पास आपके लिए एक क्विज है। सो फर्स्ट इज प्लेसेंटल सक्सुचुरेट पढ़ा आपने, बायलोबेट स्पूरिया, ठीक है, डिफरेंस पता चल गया, ब्लड वेसल्स और लॉब्स का डिफरेंस है। ओके, देन सर्कमवेलेट पढ़ा, इसमें क्या होता है, जब हमारा मेटल सरफेस बड़ा हो जाता है वो कवर करता है फीटल सरफेस को और इट फॉर्म्स अ रिंग, ठीक है। देन हमने मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा पढ़ा, एक्रेटा परकेटा इनक्रेटा। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड का डिफरेंस, ये एबनॉर्मेलिटीज पढ़ा, ट्रू नॉट एंड टू फॉल्स नॉट। देन हमने एबनॉर्मेलिटीज इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड का पढ़ा, बैटल डोर अगर मार्जिन से अटैच है, फिलामेंटस अगर मेम्ब्रेन से अटैच है। ओके, सो अभी आपको ये बताना है व्हाट इज दिस, दिस इज एक स्मॉल लोब है, एक स्मॉल लोब है, एक बड़ा लोब है, ठीक है, उसमें क्या है, बट ब्लड वेसल्स है तो इट इज सक्सेंचुरिएट। ओके, देन ये हमारा किससे अटैच है, मार्जिन से अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड, सो इट इज मार्जिनल।
ठीक है, ये हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड पहले मेम्ब्रेन से अटैच है एंड देन टू इससे तो क्या होगा, विलामेंटस। ओके, आई होप दिस मच टॉपिक इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।